तो मेरी और मम्मी का झगड़ा हो गया था क्योंकि वो पता है क्या करती है, वो बार बार आके लाइटें बंद कर जाती है। बोलू को हिस्से से निकाल लिया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, उसे करना चिल्ला के कर या बोल के तो इस टेम्पटेशन के अंदर से कुछ ऐसा रैपर निकला है तो पूरा भी हो जाएगा। मैं अपने मोमोज लेके निकलता हूँ चटनी के साथ। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? बी फूड ब्लॉगिंग के नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और मैं आज आपको एक बहुत खास खबर सुनाने वाला हूँ। हमारी सुबह आँख खुलती नहीं है कि हम देखते हैं नमन सबसे पहले खाना बनाने लग जाता है। लोगों के लिए बना रहा हूँ, हम लोगों के लिए बना रहा है। अलग है, लेकिन तू नहा लिया? तूने ब्रश किया? हाँ ब्रश तो कर लिया मैंने। नहाया नहीं? नहाया। बिना नहाए तू खाना कैसे खा सकता है? खा कौन रहा है? तू अन्न को कैसे छू सकता है? बिना नहाए अन्न को छूना ही नहीं है। दिख रहा है कि बिना नहाए हम किचन में नहीं घुस सकते। गाइस ये देखो, इसने क्या ये मैक्रोनी है? इसने मैक्रोनी में ये तेल और नमक डाल के ऐसे कर दिया। गाइस मैक्रोनी में चिपक रही है आज ज्यादा, पता नहीं क्यों। सस्ती वाली घटिया क्वालिटी की, लोगों को पता नहीं रही कि हम सस्ती वाली मैक्रोनी लेके आते हैं। तो कल पापा पता नहीं कौन सी मैक्रोनी लेके आए थे, वैसे हम पैकेट वाली लाते हैं, कल पापा खुली वाली लाए थे। अरे नहीं गाइस, ये पैकेट वाली है, ये नहीं पैकेट है। वाली है 70 रुपए की आधी किलो वाली, पर वो तो 50 ही कुछ कह रहे थे। 30 रुपए कह रहे थे। पागल कहीं का अच्छे से हिलाए इसे। मजाक में 30 रुपए की आधी किलो कह रहे थे, 70 रुपए की आधी किलो है। तो तू येलो वाली बना रहा है व्हाइट वाली? व्हाइट वाली। खाने की तलब देखो, वेजिटेबल ऐड करूं? प्याज टमाटर? नहीं कोई जरूरत नहीं है, नहीं। सिर्फ व्हाइट सॉस में बना, व्हाइट सॉस खूब सारी डाल, जितनी डाल सकता है। ये मेरी समझ में नहीं आता है, मैं नहाता हूँ दिन में एक बार सुबह सुबह, ये अगले दिन सुबह सुबह ये मेरे तौलिए से कौन अपना शरीर पोंछ के बाहर निकला है? बहुत ज्यादा भाई, घर की हालत बहुत ज्यादा खराब है, समझ नहीं आता मुझे। तो गाइस जितने में मैं आपसे बात कर रहा था और नमन यहाँ पे कुकिंग कर रहा था, उतने में ऑलमोस्ट सामान तैयार होने वाला है। वो व्हाइट सॉस का मिक्सचर है और ये उसमें मेयोनीज डाली है तूने? उसमें मेयोनीज और सब कुछ डाल दिया है। चिली फ्लेक्स वो फ्लास्क है घर पे? ये हर जगह की बत्ती बंद कर जाती है, पता नहीं क्यों। जब व्लॉग बना रहे हैं, जब हम कैमरा से फोटो खींच रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमें पीछे लाइट की बात जरूरत होती है, लेकिन मम्मी को समझ में आता ही नहीं है। क्यों मम्मी, अगर आज आपकी समझ में नहीं आया तो लाइटें नहीं रहेंगी, मैं बता रहा हूँ। मुझे अपने घर वालों से हमेशा एक नए प्रकार के प्रदर्शन की उम्मीद रहती है और वो लोग मेरी उम्मीद पे खड़े उतरते हैं। तो मम्मी ने क्या किया, हम लोगों ने ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स के पैकेट रखे हुए थे बहुत सारे, ठीक है। मम्मी को ऐसा लगा है खुले हुए पैकेट है, तो वो सारे के सारे उठा के डस्टबिन में फेंके, 50 रुपए के सारे पैकेट बर्बाद हो गए। अब हमें बाजार से जाके और पैकेट लेके आने पड़ेंगे। वैसे एक आध दो पैकेट और थे तो नमन ने वो वाले पैकेट निकाल लिए, लेकिन पता नहीं वाले पूरे पड़ेंगे या नहीं। गाइस भाई नहा तो के एकदम रेडी हो चुका है और अभी अभी खाना खाने आ गया है, भूख सी लग रही थी। तो गाइस खाना सज चुका है प्लेट में, हम फटाफट अंदर जाएंगे, इसे बैठ के खाएंगे और तुमको बताएंगे कि कैसी बनी है। क्यों भाई कमरे की हालत क्या करके रखी है तूने? ओए अपने तौलिया तो उठा दे। तो किसका है? पापा का है, उठा तो दे उसे। मम्मी ने नहीं धोई है, तो हम जब जेट चला के थोड़ा सा पानी डाल के उसको सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दे। आपकी चप्पल का नंबर कितना? क्यों तो ये अपने मुंह के मुंह पे चेक करनी है? नहीं पूछ रहा हूँ, दिख रहा है। चल रहे बंदे, चल रहे फटाफट। चलो बुबू रानी तुम्हें भी ले चले। ओए मेरे उधर छबरी भिख मंगे, ये क्या हरकत कर रहा है? मैं किसी का पर्स नहीं देखता। अच्छा चल जा, मैं तुझे ऑन कैमरा पकड़ा है। दिख गई तुम्हारी अगली। ऐसे ले ले पापा से। उस दिन के आपने पैसे नहीं दिलवाए मुझे, उस दिन वाले ठीक है, पैसे उठा ले। चल अंकल। हाँ क्या अंकल? अंकल गुप्त वाले चावल दे दो। तो ये गाड़ी बुरी तरीके से खराब हो गई है, बहुत भयंकर तरीके से, इसकी बैटरी वैटरी सब निकल के पड़ी हुई है। ऑटो वाला ऐसे बीच में खड़ा हो गया, आगे नहीं कर रहा। आज का पैसा तू दे रहा, पैसा ही लाया तू मेरे वॉलेट में, पैसे झाके नहीं आ गया जूस मांगने मुझसे। भाई जो कितना सारा ट्रैफिक हो रहा है। नहीं तू नहीं देता, वो कॉफ़ी के पैसे मैंने ही दिए थे स्टारबक्स वाली, ठीक है। अरे मांगूंगा तो रुक जा, मैं तो दो दिन से मांग रहा हूँ, मांगे नहीं है। घर में उस दिन एक पैकेट खुला था और इससे पहले ये पैकेट ख़त्म हो मैं आ गया हूँ इस पैकेट को फटाफट लूटने, बस जस्ट ख़त्म होने ही वाला था। नमन की नज़र इस पर पड़ती तो ये ख़त्म हो जाता। अब मैं फटाफट कटोरी में इसे डाल के अपनी पोजीशन पे चलता हूँ। ये वाली ये गंद कटोरियाँ यार बड़ी गंदी हैं इस घर में, सच में बर्तन ढंग से धुलते नहीं है, बड़े गुस्से वाली बात है।
कॉन्सेप्ट वीडियो था ये, कॉन्सेप्ट वीडियो के कपड़े नहीं धुलते यार मम्मी, बहुत दिक्कत है सही में। जबकि सुबह आके वो भी धो जाती है जब भी। कौन से कपड़े नहीं धुलते? क्या कर रही हो अब आप ये निदान? तो वो क्या करके जाती है सुबह सुबह जो आती है? उसका काम नहीं है नितारना सुखारना ऊपर डालना। अंदर रखी है तो क्या करे? बाहर रख दो ना, बाहर जगह नहीं है। उस टेबल को उठा के बेच दो तो बाहर रख जाएगी। ये टेबल किसी काम की भी नहीं है जो यहाँ पड़ी हुई है, इसको बेच बाच के अलग करो, इधर मशीन रख देना। हमारा नमन दूध लेने के लिए निकलने वाला है, अभी अभी मैंने गाड़ी अंदर रखी थी, इतनी जल्दी दोपहर में शाम भी होने वाली है, 3:30 के अराउंड हो रहे हैं। रुको, हाँ 3:30 के अराउंड हो रहे हैं, चल जा। 3 बजने वाले हैं। ओके तो 3 बजने वाले होंगे, मुझे तो ऐसे याद है ना कि 3:30 के अराउंड ही नमन दूध लेने जाता, पावर बना रहा है, 3:30 के अराउंड ही होने वाले होंगे। चल भाई जल्दी कर, जाने दो। बी 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 शांत हो जाएगा, मैं दोपहर से यहाँ पे आया हूँ, अब मुझे थोड़ी शांति चाहिए। तू हल्ला कर ही जा रहा है। गाइस हमारा नमन कल चुप नहीं रहता, आज मौत का खेल होगा गाइस। नमन का दिमाग खराब हो गया, मौत का खेल चार्जर उठा, मौत का खेल अच्छे से करियो, हमारा नमन मौत का खेल करेगा। मौत का खेल, ओ मम्मी मौत का खेल, मम्मी पागल हो गया, मौत का खेल, ये लिप बाम, हाँ ढंग से करना चिल्ला के कर या बोल के या। तो गाइस भाई अभी सो के उठ चुका है, मतलब बिल्कुल आदत सी पड़ गई है ब्लॉगिंग करने की, कुछ ज्यादा ही ऐसे नसों में ब्लॉगिंग घुस गई है मेरे। उठते ही सबसे पहले अब मुझे कैमरा दिखने लग गया है, और कमरा बड़ा साफ सा लग रहा है यार, अच्छा सा लग रहा है कमरा देख के। पहले ऐसे फैला हुआ सा था और अब अच्छा लग रहा है। बस है पर्दा यहाँ से थोड़ा सा गंदा है, पता नहीं क्यों है कैसे है, पर है। लाओ मम्मी थोड़ा सा खाना पीना दे दो, शिकंजी बना ली तो शिकंजी भी दे दो, क्यों नहीं बनानी तो लाओ वो दे दो, चावल और दाल दे दो। आज मैं बहुत सालों बाद दाल चावल खाने जा रहा हूँ, मैंने 1-1.5-2 साल पहले खाए थे, नहीं तो मैं यूजुअली फास्ट फूड पे ही जिंदा हूँ, मैं सिर्फ फास्ट फूड खाता हूँ, मुझे वही फूड पसंद है। जब से मैंने जिम जाना बंद किया तब से मैं यही सारा खाना खा रहा हूँ, सुबह मंचूरियन रात को बर्गर। रुको चम्मच यहाँ से हटाओ, चम्मच गंदी ना हो जाए, डालो और बहुत ज़्यादा डाल दिया आपने ऐसे दाल, थोड़ी और ये क्या पागल हो गया है। तो गाइस प्लान में थोड़ा चेंज है, माँ बाप जा चुके हैं और हम लोग नहीं, मतलब सिर्फ मैं मोमोज लेने जा रहा हूँ, ये उपटन पता नहीं क्या क्या ला के बैठा है, मुझे एक चॉकलेट पसंद है फटाफट वो लेने जा रहा हूँ, और मैं वो लेके आऊँगा और हम उसे खा के फटाफट खत्म करेंगे। इससे पहले घर वाले आए और उन्हें थोड़ी सी भनक लगे, ठीक है। ले लो पकड़ लिया मैंने, क्या अच्छा एक साइड से रह गया था, ले लो। चलो गाइस मोमोज भी पैक करवा लिए, अब चॉकलेट लेते हैं और घर निकलते हैं। भाई चौराहे पे आया हुआ है, मधुनगर चौराहे पे, बची कुछ ही कसर इसने पूरी कर दी, बिल्कुल ऐसे गब्बर के ठाकुर की तरह तूने ये तोलिया सा ओढ़ लिया। गाइस आज हमारे पास है दुनिया भर के मोमोज, मुझे मेरे मोमोज ऐसे ही दे दे, मुझे फ्राइड वाले इतने नहीं पसंद। बात क्या है उनसे? अरे तू दे, नहीं हाँ इसमें दो होंगे, इसमें दो प्लेटें होंगी तेरी, उसमें मेरी एक प्लेट होगी, मैंने 3 बोली थी उस। तो इस टेम्पटेशन के अंदर से कुछ ऐसा रैपर निकला है, बढ़िया लग रहा है। जरा से तेल में ऐसे मोमोज डालते होंगे फ्राई करने के लिए, इतने से तेल में जरा से में, अभी वो तेरे ऊपर गिर जाता तो कोई निशान नहीं पड़ता। कहीं देखो से मोमोज फ्राई करना आ नहीं रहा, ऐसे तैसे कराया जा रहा है अपनी, वो देखो तो फ्राई हो भी गया आधा हुआ है ऊपर, हाँ तो ढंग से फ्राई करना तो पूरा भी हो जाएगा। मैं अपने मोमोज लेके निकलता हूँ चटनी के साथ।